Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह की. ब्रदर मंगल थापा जी, जय यीशु मसीह की. मनीषा सिंघी जी, जय यीशु मसीह की. सुनीता गुरिया कंसवर, जय यीशु मसीह की. अमरजीत कौर जी, जय यीशु मसीह की. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पवित्र कौर जी, जय यीशु मसीह की. डेजी वी एस, जय यीशु मसीह की. रूबी संगेरा जी, जय यीशु मसीह की. हालेलुया. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह. आज हम प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं. हालेलुया. प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, हमद करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. ब्रदर ललित मेहरा जी, जय यीशु मसीह की. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड. वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड. वी ब्लेस योर नेम. ब्लेस योर नेम लॉर्ड. वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड. वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड. वी ब्लेस योर होली नेम. Bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Jesus, King of glory, we bless you. Jesus, King of glory, bless you. Jesus of Nazareth, we bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Praise the name of the Lord. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we honor you and glorify you this morning. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Prabhu tera dhanyavad ho. Prabhu tera dhanyavad ho. Tera dhanyavad, dhanyavad, dhanyavad ho. Prabhu tera dhanyavad, dhanyavad, dhanyavad ho. Prabhu ji, tere lahu ko main pukarta hu. Tere jeevit lahu ko chhidakta hu jitne log Prabhu ji online hai is samay. तेरे जिंदा खून के साए के नीचे इन लोगों को, इनके घरानों को लेकर आता हूँ यीशु मसीह. तेरा वचन प्रभु जो स्वर्ग में स्थिर है. हालेलुया. तेरा सामर्थी वचन यीशु मसीह. तेरे सामर्थी वचन को प्रभु जी आप खोलिए. पवित्र आत्मा आप शिक्षक हो. पवित्र आत्मा केवल आप हो जो सिखाते हो अपने कलाम को, क्योंकि आपका कलाम आपकी श्वास है, आपकी ब्रेथ है, आपका रूहाक है. खुदावन अपने वचन को खोलें प्रभु जी. हमें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भरें, ताकि प्रभु हमें आपके मार्ग दिखाई दें. हम आपके पथ पे चलें प्रभु. आपके आज्ञाओं को, आपकी विधियों को, आपके हुक्मों को, आपके स्टैच्यूज और डिक्रीज को प्रभु आप, लॉर्ड यू आर राइटिंग योर स्टैच्यूज एंड डिक्रीज एंड योर लॉज, योर कमेंडमेंट्स. लॉर्ड गॉड, योर एंजल्स आर राइटिंग विद एन इंक हॉर्न ऑन द टैबलेट्स ऑफ अ हार्ट. लॉर्ड यू आर राइटिंग डीप डाउन ऑन द टैबलेट्स ऑफ अ हार्ट. सो लॉर्ड यू कॉज योर वर्ड टू
enter into the deep recesses of a persona, the very deep inward parts of a heart, and you cause them dwell there, and you cause them germinate, and you bring your word to fruition, Lord God, by the power of your spirit. So we give you praise, Lord. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. तेरा कलाम हमें सिखाने के लिए, हमारी ताड़ना करने के लिए, हमें रिप्रूफ करने के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें प्रभु भटकाने वाले मार्गों से बचाने के लिए, पाप अधर्म खुदावन दुराचार गंदगी से बच के हम पवित्र जीवन जिए और ज्योति की मानें तेरे लिए चमके. इसलिए तूने अपना वचन हमें दिया प्रभु. तो अपने वचन को खोलिए प्रभु, हमें शिक्षित कीजिए. आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन. आज मैं सुबह आपसे बात कर रहा था एक दुष्ट राजा की, और मैं आपको बता रहा था कैसे एक दुष्ट अगुवा, एक दुष्ट लीडर पूरी की पूरी प्रजा को पाप में धकेल सकता. एक दुष्ट अगुवा चाहिए जो पावर ऑफ पोजीशन एंड अथॉरिटी में है. वो पूरी की पूरी कौम को, पूरे के पूरे देश को दुराचार, पाप और गंदगी में धकेल सकता है. उसके विषय, उस राजा के विषय मैंने सुबह मनन किया, और आपको परमेश्वर के वचन यशायाह दूसरा इतिहास के 33 अध्याय में से हमने मनन किया, दूसरा इतिहास का 33 अध्याय. और फिर मैंने आपको दूसरा सेगमेंट जो दिया वो दूसरा राजा 21 अध्याय में, कुछ वचन वहाँ से देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ये जो राजा है इसका नाम मैंने आपको बताया मनस्से है, और ये इज़िकिया का बेटा है. इज़िकिया जो राजा है, मैं सुबह आपको बता रहा था कि वो इसराइल के धर्मी राजाओं में उसका शुमार है. इसराइल के तीन प्रमुख धर्मी राजा, राजा दाऊद, जोसाया और हिजिकिया, उन तीनों में से एक है वो हिजिकिया राजा, जिसकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है कि यहोवा परमेश्वर अपने नबी के द्वारा दिए गए ओरेकल को, अपने नबी के द्वारा दी गई भविष्यवाणी को चेंज कर देता है, क्योंकि वो इस रीति से प्रार्थना करना जानता है हिजिकिया. लेकिन उसने जब प्रार्थना की, यहोवा ने उसकी आयु बढ़ा दी. उसी जब यहोवा ने उसकी आयु बढ़ा दी, यहोवा ने अपना वचन भेजा था कि तेरा समय आ गया, पैकअप कर ले, तू सो जाएगा. लेकिन उसने कहा मुझे और जीना है, तो प्रभु ने उसकी आयु बढ़ा दी. तो उसी दौरान जब उसकी आयु बढ़ाई गई, हालेलुया, उसी दौरान जब उसकी आयु बढ़ा दी गई, तो आपको मालूम उसी दौरान ये बेटा पैदा हुआ. जानते हैं आप, हालेलुया. यदि राजा को पता होता, परमेश्वर सब कुछ जानता है भाई और बहनों, परमेश्वर आपका भविष्य जानता है, परमेश्वर जानता है आपके घर में कौन सी संतान पैदा होगी जो दुष्ट मार्गों पर चलेगी, और कौन सी संतान पैदा होगी जो परमेश्वर के मार्गों पर चलेगी. प्रभु इसीलिए हिजिकिया को बोल रहा था कि तेरा पैकअप हो गया है. लेकिन हिजिकिया ने और उम्र मांगी, और उसी उम्र में उसके घर ये बेटा पैदा हुआ जो इसराइल के सबसे महान दुष्ट राजाओं में से, बल्कि सबसे महान दुष्ट राजा है वो, उनमें से नहीं है. इट्स नॉट वन ऑफ द ईवल किंग्स, बट ही इज द ईवल किंग. तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए दूसरा राजा 21 अध्याय में से, और फिर हम और कुछ गहरी बातें सीखेंगे आज. तो चलिए मेरे साथ दूसरा राजा 21 अध्याय निकालिए और सुनिए यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कहता है. दूसरा राजा 21 अध्याय में ऑलमोस्ट सेम अकाउंट है जो सेकंड क्रॉनिकल 33 में है, कुछ बातें फ़र्क हैं. यहाँ पे लिखा है मनस्से वॉज 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिगैन टू रेन, एंड ही रेन 55 ईयर्स इन जेरूसलम. ये दुष्ट राजा है, इसका राज्यकाल भी बहुत ज़्यादा है. 12 साल का राजा बना है और 55 साल तक ये राज्य करता है. उसकी मदर का नाम हेप्जिबा, और लिखा है ही डिड व्हाट वाज ईवल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द डिस्पिकेबल प्रैक्टिसेस ऑफ नेशंस, जिसे दूसरी जगह लिखा है
दूसरा क्रॉनिकल्स 33 वर्स नंबर 2 में, दी अबोमिनेशन ऑफ द नेशंस, अन्य जातियों के घिनौने काम। सुनिए भाई और बहनों, आपको अन्य जाति के घिनौने काम नहीं करने हैं, वरना आप यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यहोवा कहता है, उनमें से निकल आओ और बाहर हो जाओ, कहीं तुम उनके दुष्ट कर्मों के भागी मत बनो। होम द लॉर्ड ड्रोव बिफोर द पीपल ऑफ इज़राइल, जो सेवन नेशंस को यहोवा ने मारा, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 19 वचन, और पढ़िए आप जजेस की पुस्तक, पढ़िए आप यहोशू की पुस्तक, उन्हीं लोगों के गंदे घिनौने काम इस राजा ने किए। ही बिल्ट हाई प्लेसेस दैट हिज़किया हिज फादर डिस्ट्रॉयड, ही इरेक्टेड ऑल्टर्स फॉर बैल एंड मेड एन अशेरा, सो एहब द किंग ऑफ इज़राइल हैड डन एंड वर्शिप ऑल द होस्ट ऑफ हेवन एंड सर्व देम। मैं आपको सुबह बता रहा था, जो शैतानी पूजा है, शैतानों की, दुष्ट आत्माओं की, अंधकार की शक्तियों की पूजा है, वो तीन वर्ड में सम अप होती है। और ये सारी शैतानी पूजा जो है, ये बेबलोन में शुरू हुई। बेबलोन इज़ द मदर ऑफ ऑल हार्लट्स। बेबलोन जो है होर है, हार्लट है, व्यभिचारिणी स्त्री है, और सारी व्यभिचार करने वाली औरतों की माँ है। ये जो हार्लट है, इसका मतलब है शैतान ने दुनिया के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि उसने जो जगत का ईश्वर है, इस समय इस संसार का राजा है शैतान, वो राज्य कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़ें, उसने जगत के लोगों की आंखों को अंधा किया है, अंधेपन की पट्टी डाली है, ताकि मसीह की ज्योति लोगों पर ना चमकने पाए। ये काम शैतान ने किया है, और ये शैतान ने काम किया है बेबलोनियन सिस्टम के द्वारा। बाबुल में जो बुर्ज बन रहा है, वहीं पे शुरुआत है। निमरोद जो है भाई और बहनों, वही बाल है, बालीम है, उसी का नाम, निमरोद का नाम जो है बालीम, बाल। निमरोद पहला गिबरीम है, और निमरोद की पत्नी सेमरामिस और उनका बेटा तमूज, यही पूजा पद्धति चल रही है। नमूज जो निमरोद और सेमरामिस, जिसे हम बाल और अशेरा कहते हैं, ये फर्टिलिटी कल्ट हैं। उस प्राचीन समय में पुरुष के प्रजनन अंग की और औरत के प्रजनन अंग की, दोनों की पूजा की जाती थी, आज भी की जाती है। फालस की पूजा, आप चाइना, ताइवान, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, कोरिया, इन सब कंट्रीज़ में घूमें, यहाँ पे पुरुष के लिंग की पूजा होती है। आप हमारे देश में आ जाइए, आप अध्ययन कीजिए सुमेरियन कल्चर का, अध्ययन कीजिए इजिप्शियन कल्चर का, अकेडियन कल्चर का, अध्ययन कीजिए कैनानाइट कल्चर का, अध्ययन कीजिए हित्तियों के कल्चर का, अध्ययन कीजिए ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, किसी भी संस्कृति का अध्ययन आप करेंगे, बेबलोनियन का, कसदियों का, वहाँ पे पुरुष के प्रजनन अंग की पूजा और स्त्री के प्रजनन अंग की पूजा की जाती है, जिसे फर्टिलिटी कल्ट कहा जाता है। ये देवता हैं, देवियां हैं प्राचीन काल की, यही पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से प्रचलित हैं। ये है बेबलोनियन सिस्टम। बाबुल की नगरी ने ये विरासत दी है। बाइबल में युद्ध है बाबुल का, बाबुल की नगरी का, और यहोवा की नगरी यरूशलेम का, दोनों की आपस में लड़ाई है। यरूशलेम को बनाने वाला यहोवा और बाबुल को बनाने वाला इंसान, बदरुओं की ताकत के द्वारा शैतान बनाता उस नगरी को। तो ये आपको मिलेगा, बाल की पूजा, अशेरा की पूजा, और आकाश में जो राशियां हैं उनकी पूजा। ये है शैतानी पद्धति। और प्रभु यहोवा पुराने नियम में 70 बार कहता है, अगर तुम ये काम करोगे, बाल की, बालीमों की, ग्रोव की, ग्रोव जो ट्रीज की पूजा की जाती है, ट्रीज में, ट्रीज के नीचे मूर्ति रखी जाती है शेरा की, और आकाश के गणों को पूजोगे, प्रभु यहोवा 70 टाइम्स कहता है ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, और फिर प्रभु क्या कहता है, मैं बीस्ट भेजूंगा। दुनिया की एम्पायर जो शैतानी है, बेबलोनियन सिस्टम है, वो तुम्हें गुलाम बनाएंगे। प्रभु यहोवा कहता है, तुम अगर बेबलोनियन सिस्टम की पूजा करोगे, तो बेबलोनियन सिस्टम के हवाले मैं तुम्हें करूंगा। ये बेबलोनियन सिस्टम है, जो अलग अलग किंगडम हैं, एम्पायर्स हैं, सल्तनत हैं, बादशाहियां जो पृथ्वी पर राज करती हैं,
जिन्हें बीस्ट करके बाइबल में, अगर ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल को आप, दानियल नबी की पुस्तक पढ़िए, इज़ेकियल नबी की पुस्तक पढ़िए, आप जकरिया की पुस्तक पढ़िए, आप जशाया की पुस्तक पढ़िए, यहाँ पे परमेश्वर के दासों को, संतों को दर्शन मिलते हैं। किनके? बीस्ट के, जानवरों के, रिच के और चीते के और शेर के, सात सिंह हैं, सात मुकुट हैं, दस सिर हैं। ये बीस्ट कौन है भाइयों और बहनों? ये रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम है जो दुनिया पे राज करता है, और इसका राजा है शैतान, अंधकार का राजा। प्रभु यहोवा आपको उनके ही वश करेगा जिनकी आप पूजा करेंगे। और प्रभु यहोवा ने इज़राइल को अपने लिए न्यारा किया, अलग किया कि इज़राइल मेरा है, इज़राइल मेरी मिरास है। लेकिन इस राजा मनस्से ने इज़राइल को पाप और बदकारी की तह में उतार दिया, गहराई में उतार दिया। हालेलुया। और प्रभु यहोवा का क्रोध भड़का, वचन में लिखा है, इसने पढ़ें आगे आप, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है, इनकी पूजा की, बालीमों की, ग्रोब की, अशेरा की और राशियों की, एंड ही बिल्ट ऑल्टर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। चौथा वचन, यहोवा के घर में जगवेदियां बना दी, विच द लॉर्ड सेड इन जेरूसलम आई विल पुट माई नेम। यहोवा ने कहा मेरा नाम यहां पे मैं स्थापित करूंगा। उस हैकल के अंदर इसने शैतानों की मूर्तियां स्थापित की इस राजा ने। ही बिल्ट ऑल्टर फॉर द होस्ट ऑफ हेवन, उसने राशियों को स्थापित किया, आकाश के गणों को, कहां? यहोवा की हैकल में। टू कोर्ट्स ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड ही बर्नड हिज सन एज एन ऑफरिंग एंड यूज फॉर्चून टेलिंग ओमन डेल्ट विद मीडियम एंड नेक्रोमेंसर्स। उसने, मैंने आपको सुबह बताया, मोलक देवता के आगे अपने बच्चे चढ़ाए, आग में से अपने बच्चों को पास किया और वो जल के मर गए, मोलक देवता की उपासना के लिए। ये पूजा पद्धति इसलिए की जाती थी, मोलक की उपासना, अपने पहलौठों को मोलक देवता को चढ़ा दिया जाता था। एक देवता था जिसकी मूर्ति लोहे की थी, बहुत बड़ी, उसके ऐसे हाथ फैले हुए थे, उसके हाथ में बच्चे को रखते थे, बच्चा स्लिप करके उसके पेट में चला जाता था, और उसके पेट में भट्ठी थी जिसमें आग जलती थी, और बच्चा जलता था, चिल्लाता था, मर जाता था जल के। और उस समय जोर जोर से ड्रम बजाए जाते थे ताकि बच्चे की चीखें सुनाई ना दें। ये घिनौना काम जिसे देख के यहोवा अत्यंत क्रोधित हुआ। बाइबल में प्रभु यहोवा कहता है, पासिंग योर चिल्ड्रन थ्रू द फायर। वो इसलिए करते थे ताकि उनके ऊपर ब्लेसिंग आए, प्रॉस्पेरिटी आए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन के लिए, सोना चांदी, बड़ी फसलों के लिए, उनका राज्य स्थापित हो, इस काम के लिए अपने बच्चे चढ़ा देते थे। ये प्रॉस्पेरिटी जो है ना, कावचसनेस, ये बड़ी डेडली है। इसे प्रॉस्पेरिटी कल्ट का मुलम्मा चढ़ा के पादरी पेश करते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे, वो क्या करता था? फॉर्चून टेलिंग, राशि, जो भविष्य जानना, ओमन, शुभ अशुभ, डेल्ट विद मीडियम, जो जादूगरियां करते हैं, विचेज होती है, जो भूतों भूतों की सिद्धि करते हैं, और नेक्रोमेंसर, जो मुर्दों से बातें करते हैं, पितरों की पूजा, मरे हुए पितरों को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना, उनके द्वारा आवाज़ों को सुनना और उनके द्वारा भविष्य को जानना। ही डिड मच ईवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड प्रोवोकिंग हिम टू एंगर। उसने यहोवा को क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाया। He carved images of Asherah in that he made, he set them in the house which the Lord said to David and to his son Solomon, in this house and in Jerusalem I have chosen out of all the tribes I will put my name there. यहोवा की हैकल में अशेरा की मूर्तियां लगा दी, उस हैकल जिसे यहोवा ने अपने नाम के लिए चुना था। And I will not cause the feet of Israel to wander any more out of the land which I gave to their father, only if they be careful to do according to all that I have commanded them and according to all that the law my son Moses commanded them. प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने ये वाचा बांधी दाऊद के साथ, सुलेमान के साथ, इस हैकल में मेरा नाम होगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी वाचा को मन चित लगा के चौकसी से पालना करोगे, मेरी डिक्रीज, मेरी कमेंडमेंट को मानोगे, मेरे नाम को पवित्र जानोगे और मेरी सेवा और उपासना करोगे, तो मैं तुम्हें इस देश से कभी नहीं खदेड़ूंगा।
तुम इस देश में कायम रहोगे, तुम इस देश में फलो फूलोगे, फलवंत होगे, पृथ्वी की सब कौमों में से तुम्हें मैं शिरोमणि करूंगा, तुम्हें पूछ नहीं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं स्वर्ग के उत्तम भंडारों को खोल के स्वर्गीय चुनिंदा बरकतों की बारिश तुम्हारे ऊपर करूंगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे झुकेंगे, वो एक मार्ग से आएंगे, सात मार्गों से मैं उन्हें खदेड़ दूंगा। प्रभु यहोवा ने कहा तुम पृथ्वी की कौमों को उधार दोगे बल्कि किसी से उधार लोगे नहीं। प्रभु ने कहा तुम शिरोमणि होगे, सबसे ऊंची मेरी जाति, मेरी राष्ट्र, मेरी कौम ठहरोगे अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे। बट नौ वचन, दूसरा राजा 21 का 9, बट दे डिड नॉट लिसन एंड मनस्से लेट देम एस्ट्रे, उन्होंने नहीं सुनी यहोवा की बात और मनस्से उनको शैतानी मार्ग पे ले गया। एक राजा पूरी कौम को शैतान के मार्ग पे ले गया, एक झूठा अगुआ, एक शैतानी अगुआ पूरी कलीसिया का सर्वनाश कर सकता है। एक झूठा अगवा पूरी कौम के ऊपर यहोवा के कोप को भड़का सकता है। टू डू मोर इवल देन द नेशंस, कहता है कि इस राजा ने इतना घिनौना पाप किया जितना घिनौना पाप उन दुष्ट राष्ट्रों ने भी नहीं किया जिनके अंदर मिक्स सीड था, जिनके अंदर शैतानी बीज था, उन्होंने भी इतना बड़ा पाप नहीं किया यहोवा के खिलाफ जितना इन्होंने किया। होम द लॉर्ड डिस्ट्रॉयड बिफोर द पीपल ऑफ इज़राइल, इतना भयंकर पाप इस राजा ने एस्टैब्लिश किया तो क्या हुआ क्या हुआ? सुने 10 वचन, एंड द लॉर्ड सेड बाय हिज सर्वेंट द प्रॉफिट, बिकॉज मनस्से किंग ऑफ जूडा हैज कमिटेड दीज अबोमिनेशन एंड हैज डन दीज थिंग्स मोर इवल देन ऑल द एमोराइट डिड। अमोरी सबसे बुरी कौम थी, सबसे बुरी कौम। प्रभु ने कहा अमोरियों का, अमालेकियों का बीज नाश कर देना क्योंकि वो इतने गंदे और घिनौने काम करते थे। जादूगरी, टूना, व्यभिचार, हर तरह का झूठा गंदा काम वो करते थे जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है कि इन्होंने उससे भी घिनौना काम किया है। मोर इवल देन ऑल द एमोराइट डिड विच वर बिफोर हिम एंड हैज मेड जूडा टू सिन, इस राजा ने यहूदा से पाप करवाया विद हिज आइडल, नॉर्दर्न किंगडम से भी कराया, सदर्न किंगडम से भी। देयरफॉर दस सेज द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल, बिहोल्ड आई एम ब्रिंगिंग अपॉन जेरूसलम Therefore, behold, I am bringing upon Jerusalem and Judah such disaster that the ear of everyone who hears will tingle. मैं ऐसी महामारी, मैं ऐसी सजा लेकर आ रहा हूँ इनके ऊपर, ऐसी सजा लेकर आ रहा हूँ कि जिस जो सुनेगा उसके कान टिंगल करने लगेंगे, कांप जाएगा बंदा, ऐसी सजा लेकर आ रहा हूँ। And I will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria and the plumb line of the house of Ahab and I will wipe Jerusalem as one wipes a dish. पढ़े 13 वचन, कहता मैं यरूशलम को ऐसे धो डालूंगा जैसे कोई बंदा ना प्लेट को धोता है अपने घर में, बर्तन धोता है, ऐसे धो दूंगा इन्हें में, wiping it and turning them upside down. फिर मैं उन्हें पोंछ डालूंगा और उल्टा टांग दूंगा। पढ़ लें 13 वचन, एंड आई विल फॉरसेक द रेमिनेंट ऑफ माई हेरिटेज and give them into the hands of their enemies and they shall become a prey and a spoil of their enemies because they have done what is evil in my sight and have provoked me to anger since the days of their father that came out of Egypt even unto this day. क्या किया भाई और बहनों इन्होंने? प्रभु कहता मैं जैसे एक थाली को धोया जाता ना ऐसे मांझ डालूंगा इनको और पोंछ दूंगा और उल्टा लटका दूंगा और इनके दुश्मनों के हाथ में दूंगा, इनके दुश्मन इन्हें स्पॉयल बना के ले जाएंगे। स्पॉयल समझते हैं आप? लूट का माल, जो लड़ाई में जीता होता है, लूट का माल, लूट का माल समझ के इन्हें गुलाम बना के ले जाएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया। इतना क्रोध मुझे किसी ने नहीं दिलाया जितना इन्होंने दिलाया। 16 वचन, मोर ओवर मनस्से शेड मच इनोसेंट ब्लड टिल ही हैड फिल्ड जेरूसलम फ्रॉम वन एंड टू अनदर बिसाइड द सिन दैट ही मेड जूडा टू सिन दैट दे डिड व्हाट वाज इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। इनोसेंट ब्लड, बच्चे मर्डर किए गए और इनोसेंट लोगों को मारा गया। हालेलुया। पढ़िए एक वचन जल्दी से, जल्दी से पढ़िए एक वचन, दूसरा इतिहास 33 अध्याय, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 33 अध्याय और उसका पढ़िए मेरे संग 9 वचन। सुने क्या लिखा प्रभु क्या कहता है? मनस्से लेट जूडा एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूसलम अस्ट्रे टू डू मोर इवल देन द नेशंस होम द लॉर्ड डिस्ट्रॉयड बिफोर देम। इतना भयंकर पाप इस व्यक्ति ने किया। इतना आपको मालूम, दूसरा राजा 21 अध्याय का 16 वचन अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा 21 अध्याय का 16 वचन,
सेकंड किंग्स 21 वर्स नंबर 16। ये राजा इतना दुष्ट था कि जितने यहोवा के सच्चे दास थे, सच्चे नबी थे, सच्चे प्रचारक थे, जो यहूदा के पाप के विषय में प्रचार करते थे, जो इस राजा के विरुद्ध प्रचार करते थे, इसने उन सबको मरवा डाला। और यहाँ पे जो मैंने वचन आपको दिया, ये वचन पढ़िए आप, प्लीज़ ये मार्क कीजिए ये वचन को, दूसरा राजा 21 का 16। ये वचन बताता है कि इसने यशाया को उल्टा लटकवाया और यशाया को चीर दिया आरे से दो हिस्सों में, उल्टा लटकवा के उसको बीच में से चीर दिया दो हिस्सों में। इतना दुष्ट ये राजा था। हिस्ट्री पढ़िए आप, इतिहास ढूंढिए, अध्ययन कीजिए वचन का। मैं वचन आपको सिखाता हूँ ताकि आपके अंदर आग पैदा हो, अग्नि प्रज्वलित हो वचन को सीखने की, प्रभु को और निकट से जानने की, प्रभु के और सानिध्य में निकट आके जीवन गुजारने की, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन, प्रभु की ज्योति से भरा जीवन, सच्चाई से भरा जीवन, इंटेग्रिटी से भरा जीवन, यीशु मसीह के जैसा जीवन जीने की अभिलाषा आपके अंदर जगे। इसलिए ये वचन परमेश्वर मुझे सिखाता और मैं आपको सिखाता हूँ। मेरा उद्देश्य को अपना राज्य साम्राज्य बनाने का नहीं, मेरा उद्देश्य को पैसा लोगों से ऐठना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह की सच्ची ज्योति को विश्व में फैलाने का है। हालेलुया। और भाई और बहनों, मैंने बहुत से लोगों को 3-4 हज़ार सेवक पैदा किए हैं जिन्हें मैंने वचन सिखाया है। और कई बार कुछ सेवक ऐसे हैं जो मुझसे सीख के मुझे सिखाने लगते हैं, वो सोचते हैं शायद हम पास्टर से आगे निकल गए। भाई और बहनों, आज लोगों के अंदर सच्चे डिसाइपल की रूह नहीं है, सीखने वाली आत्मा नहीं है लोगों के अंदर। बाइबल में अलीशा के विषय में क्या लिखा है? अलीशा की इंट्रोडक्शन यही है, अलीशा जो अपने स्वामी एलिया के हाथों पे पानी डालता था। आपको मालूम वो हिब्रू फ्रेज क्या है? हिब्रू फ्रेज है सन ऑफ द कप, वो प्याले का पुत्र था, वो वफादार रहा अपने स्वामी के, प्याले का पुत्र था, ही वाज सन ऑफ द कप। और उसके स्वामी ने उसकी सेवा देखी, उसकी फेथफुल और डेडिकेशन देखी, उसने अपने स्वामी को छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं कहा कि अब तो मुझे ज़्यादा हिब्रू ग्रीक आ गई है पास्टर विनोद से, बल्कि वो अपने स्वामी के लिए समर्पित रहा। और वचन में लिखा है उसने उसको छोड़ा नहीं, 4 पड़ाव आए वो अपने स्वामी के पीछे कंसिस्टेंटली चला रहा। तब एलिया ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, जब वो यर्दन पार कर रहे थे, तब उसने कहा कि तेरे ऊपर जो आत्मा उसका दुगना हिस्सा मेरे ऊपर हो। आपको मालूम, आप सोचोगे कि अलीशा बड़ा चतुर था, अलीशा ने चाहा कि जितना काम एलिया ने किया मैं उससे दुगना करूं, जितनी अभिषेक एलिया पे था मेरे स्वामी पे उससे दुगना मुझे मिले, ताकि मेरी प्रसिद्धि, मेरी वाहवाही मेरे स्वामी से दोगुना हो। आप ये सोचते होगे इसलिए उसने दुगना हिस्सा मांगा, ताकि जितना मेरा स्वामी चमका उससे दोगुना ज़्यादा मैं चमकूँ। बिल्कुल नहीं। अलीशा ने जब कहा कि जो आत्मा का हिस्सा तेरे ऊपर है उसका दुगना हिस्सा मुझे दे, आपको मालूम उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय ये है, दुगना जो हिस्सा है, डबल पोर्शन, भाई और बहनों, केवल जेठे पुत्र को दिया जाता है, फर्स्ट बॉर्न सन को दिया जाता है। जो पहला पुत्र पैदा होता है, जो मैट्रिक्स खोलता है वूम का, उसे दुगना हिस्सा मिलता है। वो अपने स्वामी से सिर्फ यही कामना कर रहा है कि मुझे अपना पहलौठा पुत्र बना। क्यों? क्योंकि एलिशा की पहचान सिर्फ सन ऑफ द कप तक है, वो प्याले का पुत्र है। वो कहता है मैं प्याले का पुत्र नहीं रहना चाहता, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र बनना चाहता हूँ। इसलिए उसने दुगना हिस्सा मांगा, डबल पोर्शन। समझ रहे हैं आप? डबल पोर्शन, डबल शो करने के लिए नहीं मांगा कि मैं मिरकल और साइन वंडर का डबल शो करूं और बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत चमकूं, लोग मेरी वाहवाही करें, कितने साइन एंड वंडर मिरकल होते हैं इसके द्वारा। ये नहीं थी कामना, कामना ये थी कि मुझे अपना पुत्र बना। पुत्र की तरह बन के कलाम नहीं सीखना चाहते लोग। थोड़ा सा आप किसी को ज्ञान दोगे, बुद्धि समझ दोगे, वो बोलेगा मैं तो तुम्हारे से आगे निकल गया। फिर वो लोग अपने जीवन में पनप नहीं पाते, फलवंत नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि यहोवा की विधियां वो जानते नहीं हैं, यहोवा कैसे आशीष देता है। यीशु मसीह कहते हैं पुत्र जो है वो घर में बना रहता है सदा, नौकर नहीं। द सन अबाइडेथ इन द हाउस फॉर एवर। हालेलुया। तो सुनिए प्रभु यहोवा का सच्चा कलाम। इस राजा ने पूरे राष्ट्र को
तबाही की ओर मोड़ दिया। और आपको मालूम क्या लिखा है वचन के अंदर? पढ़िए एक वचन, बहुत सोबरिंग कलाम आपको दे रहा हूं मैं, हिलाने वाला और रोंगटे खड़े करने वाला। ये हकीकत है कलाम की, सुनिए क्या किया, क्या हुआ इस राजा के राज्य में। दूसरा राजा 6 अध्याय निकालें, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 6, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 6, दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ें, क्या हुआ इस राजा के राज्य में, सुनो। सो वी बॉइल्ड माई सन एंड एट हिम, एंड ऑन द नेक्स्ट डे आई सेड टू हर, गिव मी योर सन दैट वी मे ईट हिम, बट शी हैज हिडन हर सन। क्या कर किया है लोगों ने? लोगों ने अपने बच्चे बॉयल करके खाए, बच्चों को मार के बॉयल करके खाया। इतना बड़ा श्राप आया बनी इसराइल पे कि उन्होंने अपने बच्चे बॉयल करके खाए। सुन रहे हैं आप? पढ़िए यशाया, यहोवा का दास जो विलाप कर रहा है, इसराइल को लूट के ले गए, इसराइल पे सजा आ गई, इसराइल असीरी में चला गया। प्रभु ने कहा था मैं इनको सजा दूंगा, असीरी में भेजूंगा। तो प्रभु का सच्चा भक्त जिर्मिया इसराइल को देख के रो रहा है, बिलक रहा है इसराइल के लिए, परमेश्वर के आगे विलाप कर रहा है। देखिए वो क्या कहता है, विलाप की पुस्तक निकालें जिसे हम लेमेंटेशन कहते हैं। जिर्मिया के विलाप की पुस्तक बहुत हृदय विदारक है, इट ब्रेक्स योर हार्ट इफ यू रीड दैट बुक। इसराइल की दुर्दशा जो हुई इन राजाओं के पाप के कारण, पढ़ें Lamentation chapter number 4 verse number 10, सुने क्या लिखा है। द हैंड्स ऑफ कंपैशनेट वुमेन हैव बॉइल्ड देयर ओन चिल्ड्रन, दे बिकेम देयर फूड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉटर ऑफ माई पीपल। जब इसराइल के ऊपर सजा आई इस राजा के गंदे घिनौने पापों के कारण जो इसने दबा के किए, और ना किए बल्कि पूरे इसराइल को करने के लिए इसने लीड किया, पूरे राष्ट्र को इस पाप में धकेला इस राजा ने। वचन में लिखा उन्होंने अपने बच्चे उबाल के खाए, बच्चे बना के खाए। आपको मालूम ये क्या चीज़ है? पढ़िए लेवी व्यवस्था में, चलिए मेरे साथ। ये कर्सेज हैं, ब्लेसिंग और कर्सेज रियल हैं, लिटरल हैं। लोगों को मालूम नहीं है ब्लेसिंग और कर्सेज क्या है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें झूठे नबी क्या सिखा रहे हैं? मसीह ने सारे कर्स तुम्हारे तोड़ दिए हैं भाई। पूरा कलाम नहीं बताते, पूरा कलाम नहीं सिखाते कि कलाम के और पहलू भी क्या हैं, कलाम में और भी क्या बातें लिखी हैं, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है यहोवा के कलाम की सच्चाइयाँ। 26 अध्याय निकालिए लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 14 वचन, सुने क्या लिखा है यहाँ पे, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 14 वचन। बट इफ़ यू विल नॉट लिसन टू मी, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे, एंड विल नॉट डू दीज कमेंडमेंट्स, अगर ये आज्ञाएं नहीं मानोगे, इफ़ यू स्पर्न माई स्टैच्यूज, मेरी विधियों को स्पर्न करोगे मतलब तुच्छ जानोगे, यू विल अबेंडन देम, उनका उनकी आज्ञा नहीं मानोगे। इफ योर सोल एडहोर्स माई रूल, मेरे जो नियम हैं उनको मानने से तुम्हारी जान घृणा करती है, सो दैट यू विल नॉट डू ऑल माई कमेंडमेंट्स, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे बट ब्रेक माई कवनेंट, मेरी बाचा तोड़ोगे, देन आई विल डू दिस टू यू, तब मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? आई विल विजिट यू विद पैनिक, डर से भर दूंगा तुम्हें, डर। बहुत सारे मसीहों के अंदर बहुत बड़ा डर है, पैनिक है। क्यों? क्योंकि यहोवा का दंड आया उनके ऊपर। विद वेस्टिंग डिजीज, ऐसी बीमारी लगाऊंगा तुम्हारा जिस्म खुरता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एंड फीवर दैट कंज्यूम्स दी आई, वो बुखार जिससे आंखें चली जाएंगी, मेक हार्ट एक, हृदय के रोग। एंड यू शैल सो योर सीड इन वेन, तुम काम करोगे कोई भी काम, सीड सो करना, जो भी काम करोगे उसका फल नहीं तुम्हें मिलेगा। तुम बोगे पर तुम्हारे दुश्मन खा जाएंगे। आई विल सेट माई फेस अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ अपना चेहरा करूंगा। यू शैल बी स्ट्रक डाउन बिफोर योर एनिमीज, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ऊपर जयवंत हो जाएंगे। एंड शैल ईट, और क्या लिखा है, दोज हु हेट यू शैल रूल ओवर यू, जो तुम्हारे वैरी होंगे तुम्हारे ऊपर राज्य करेंगे। देन आई विल डिसिप्लिन यू अगेन 7-fold फॉर योर सिन, 7 गुना सजा दूंगा। 4 बार लिखा है यहाँ पे 7 गुना सजा, 7 गुना। प्रभु कहता है इफ यू, 21 वचन में लिखा है मैं बीमारियां डालूंगा, ये पढ़ो ये वचन 21 वचन। देन इफ यू वॉक कॉन्ट्रेरी टू मी आई विल नॉट लिस
एंड विल नॉट लिसन टू मी, आई विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग यू सेवन फोल्ड फॉर योर सिंस, सजा देता रहूंगा सात गुना सात गुना। इसका 29 वचन पढ़े हम, 29, यू शैल ईट द फ्लैश ऑफ योर सन्स एंड यू शैल ईट द फ्लैश ऑफ योर डॉटर्स, तुम अपने बेटों का मीट पका के खाओगे, अपनी बेटियों का मीट पका के खाओगे। अगर तुम छिनाला करोगे, इन्होंने अन्य जातियों से भी बढ़ के दुष्ट काम किए, जिन्हें यहोवा ने नाश किया उनसे भी बढ़ के दुष्ट काम किए, और इज़राइल असीरी में गया, गुलामी में गया, और ऐसे लगा, यिर्मयाह लिखता है अपने विलाप की पुस्तक में कि एक सुहागन विधवा हो गई, यरूशलम की बेटी उजड़ गई, वो यरूशलम की जवान नवयुवतियों को जो शादीशुदा थी उन्हें विधवा कर गए, उन्हें मार गए, और बहुत से जवानों को जो शादीशुदा नहीं थे गुलाम बना के ले गए, गुलाम बना के ले गए। ऐसी भयंकर सजा आई, यरूशलेम को लूट लिया गया, वो शहर जो यहोवा के नाम से कहलाया जाता था, भाइयों और बहनों, वो लूट गया। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? जानते हैं आप क्या रिजल्ट निकला, इसका नतीजा क्या निकला? ये जो राजा दुष्ट था, इस राजा की नाक में जंजीरें डाल के, नाक के अंदर नकेल डाल के राजा इसे ले गया, नाक के अंदर नकेल डाल के, जैसे जानवरों को लेके जाते हैं, इस रीति से राजा गुलाम बना के नाक में नकेल डाल के ले गया इसको। हालेलुया। नाक के अंदर जंजीरें डाल के गुलाम बना के ले गया इसको। इसने तौबा तो की, लेकिन कई बार आप तौबा तब करते हो जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। मनसे तौबा करता है, लेकिन तब तक इज़राइल उजड़ चुका है। समझ रहे मेरी बात आप? तो आज आपसे आग्रह करता हूं, विलंब मत करें, पाप में मत ठहरे रहें, पाप आपके जीवन को सर्वनाश कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और कई बार पश्चाताप लोग करते हैं, जैसे ईसाव ने भी वचन में लिखा पश्चाताप किया, आंसू बहा बहा के रो रो के प्रार्थनाएं की, पर उसकी सुनी नहीं गई। इसलिए लौटिए प्रभु यहोवा की ओर, प्रभु यहोवा के जीवित कलाम की ओर लौटिए। भाइयों और बहनों, 28 अध्याय व्यवस्था सार पढ़िएगा और 26 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़िएगा, जानिए यहोवा परमेश्वर का स्वभाव क्या है, जानिए यहोवा परमेश्वर को कौन सी चीज़ें क्रोध दिलाती हैं, उसके निकट आइए, जानिए कौन सी चीज़ें उसे प्रसन्न करती हैं, यहोवा के नियम क्या हैं, यहोवा की विधियां क्या हैं, यहोवा के मार्ग क्या हैं, समझिए उसे निकट से आके, उसकी पवित्रताई, उसकी होलीनेस, उसकी रास्तबाजी, उसके मार्ग जो ज्योति में हैं, उन पे कैसे आपने अपराइट हार्ट से चलना है। वचन में लिखा है, कौन यहोवा के तंबू पे वास करेगा, फिर उसकी शर्तें लिखी गई हैं, क्वालिटीज लिखी गई हैं, कौन यहोवा के तंबू में बसेगा, वो जिसके हाथ शुद्ध हैं, वो जिसके पांव पवित्र हैं, जिसने हाथों से दुष्ट काम नहीं किए, जिसके पांव बुराई के पथ पे नहीं चले, वो जिसकी आंखें शुद्ध हैं, वो जिसके मुंह में छलिए वाली जीभ नहीं है। छलिए वाली जीभ समझते हैं आप? दो बातें बोलते हो मुंह पे, किसी को मिलते हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और पीठ के पीछे चुगली करते हो। अगर आप किसी एक व्यक्ति की, जिसको आपको, जिसके विषय में प्रभु ने आपको बता दिया कि ये मेरा जन है, फिर आप उसकी चुगली करते तो नहीं, लेकिन सुनते हो, वो भी बहुत बड़ा अधर्म है। जिसके विषय में प्रभु ने आपको एक बार बता दिया, तो आपको प्रभु ने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप खुद अपनी परसेप्शन पे, खुद आपने खुद आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पे संदेह कर रहे हैं आप। फिकल माइंडेड मत बनिए। बहुत से लोग फिकल माइंडेड हैं, आज कुछ हैं कल कुछ हैं, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं के समुद्री जहाज में डोलते फिरते हैं। स्थिर बनिए भाई और बहनों, जिस चीज को जान गए उस पे स्थिर हो जाइए। हालेलुया।
बिन पैंदे के लोटे मत बनिए, कभी इधर डोलते फिरते हो कभी उधर डोलते फिरते हो। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हिजकिया राजा दुआ करता है। दूसरा राजा का 20 अध्याय, मैं वचन देता हूं आपको, हालेलुया। दूसरा राजा 20 अध्याय सुनिए, यहां पे हिजकिया की कहानी है। हिजकिया बीमार है और मरने वाला है, और यशाया नबी आता है और उसे कहता है, क्या कहता है, सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शैल डाई। पहले वचन में लिखा, अपना घर ठीक ठाक कर ले तू मर जाएगा। आजकल ऐसी कोई नबूवत करता है नबी? आजकल तो आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, बंगला मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, वर्ल्ड टूर मिलने जा रहा है, गॉड इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर यू, न्यू ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग, फलाना ढिमका। ऐसी झूठी नबूवतें, बकवास से भरी नबूवतें करते हैं झूठे नबी। ये देखिए, सच्चा नबी आके बोलता है तू मरेगा, और किसे बोल रहा है, एक राजा को। बढ़िया भविष्यवाणी करे तो सोना चांदी या शर्फियाँ देगा राजा, लेकिन नबी वो होता है, आपको मालूम नबी क्या होता है? सुनिए ध्यान से, हिब्रू में बैथ और नुन, बैथ और नुन से बनता है बैन। बैन का मतलब होता है बेटा, बैथ का मतलब होता है घर, और नुन का मतलब होता है बीज। जो ह्यूमन स्पर्म है पेलियो हिब्रू में, जो नुन है वो ह्यूमन स्पर्म को दिखाता है, बाप का बीज जिससे बेटा पैदा होता है। तो बेटा क्या है? बेटा है बैन, बैथ का मतलब घर, नुन का मतलब बीज। बेटा वो है जिसके अंदर बाप का बीज स्टोर है, जिससे, जिसके द्वारा, बेटे के द्वारा बाप की जनरेशन पैदा होंगी, वो है बैन। अब आप देखिए नबी कैसे बनता है, इसको उलट कर दीजिए, नुन बैथ कर दीजिए, नाभी नुन बैथ, नुन का मतलब बीज, बैथ का मतलब घर, बीज घर के अंदर, जिसके घर के अंदर यहोवा का बीज है, जो दस सेज द लॉर्ड बोलता है, जो ये नहीं बोलता आ रहा हूं तेरे घर में, काले रंग का गेट है, पीले वाले सूट वाली बहन खड़ी हो जा, तेरे दर्द है, तेरे फलाना है, ऐसे जादूगरियां नहीं करता वो। वो आत्मा के बताए बोलता है, आत्मा का अलहाम, रूह की बातें बोलता है वो, हालेलुया। वो नबी होता है जिसके अंदर यहोवा का बीज बास करता है, नाबी जिसके अंदर नुन बैथ, नुन बीज, जिसके नाभी जिसके अंदर यहोवा का बीज वास करता है। यहोवा का नबी और यहोवा का बेटा दोनों एक हैं। बेटे के लिए भी वही वर्ड है, नबी के लिए भी वही वर्ड है, केवल अल्फाबेट्स आगे पीछे किए गए हैं। तो सुनिए ध्यान से, ये नबी कलाम देता है, तू कहता है यू शैल नॉट रिकवर, तू चंगा नहीं होगा, तू मरेगा। देन हिजकिया टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल एंड प्रेड टू द लॉर्ड। लेकिन हिजकिया ने क्या किया, हिजकिया ने देखा कि यशाया तो बहुत, वो जानता है यशाया जो है ना वो प्रिंस ऑफ प्रॉफिट्स है, पूरे पुराने नियम में सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा अलंकृत, सबसे ज़्यादा सुसज्जित ये नबी है यशाया। ये जानता है हिजकिया, क्योंकि धर्मी राजा है, कि ये खुदा का नबी है, इसके मुंह से निकला वचन कभी भी बेअसर नहीं जाता, इसके मुंह से यहोवा का कलाम निकलता है। लेकिन तो भी उस राजा ने क्या किया, देन हिजकिया टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल एंड प्रेड टू द लॉर्ड, नाउ ओ लॉर्ड प्लीज रिमेंबर हाउ आई हैव वॉक्ड बिफोर यू इन फेथफुलनेस विद होल हार्ट, आई हैव डन व्हाट इज गुड इन योर साइट, एंड हिजकिया वेप्ट बिटरली। हिजकिया को यशाया बोलता है तेरा टाइम आ गया, तू मरने वाला है, लेकिन हिजकिया के अंदर अभी कुछ है, हिजकिया के अंदर आंसुओं का सैलाब है, हिजकिया के अंदर अभी वर्शिप बाकी है, हिजकिया के अंदर अभी यहोवा की स्तुति बाकी है, हिजकिया के अंदर अभी प्रेज बाकी है। अगर आप स्तुति कर सकते हो, प्रेज कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, अगर आपके अंदर यहोवा का कलाम बाकी है, भाई और बहनों मौत को बैरंग लौटना पड़ेगा, मौत खाली हाथ लौट जाएगी। बेशक नबी ने, इतने बड़े कदावर नबी ने कलाम बोला है, तो भी मौत आपको छू नहीं पाएगी, हालेलुया। जब वो बिटरली रोया, हालेलुया, ही वेप्ट बिटरली। मैं आपको एक कुंजी बताना चाहता हूँ, टीयरफुल प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल प्रेयर। आज लोगों की प्रार्थनाएं ऐसी नहीं है जैसी ये हिजकिया की प्रार्थना है, ही वेप्ट बिटरली, हालेलुया, और उसने यहोवा के दिल को छू लिया। एंड बिफोर आइज़ाया हैड गॉन आउट ऑफ द मिडल ऑफ द कोर्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम। फिर कलाम आ गया हिजकिया के पास, कलाम आ गया यशाया के पास, क्या कलाम आया,
Turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord God of David, your father, I have heard your prayer. Hallelujah. Hallelujah. भाई और बहनों, ये वचन कितना अद्भुत है. यहोवा ने अभी हिजकिया दुआ कर रहा है और नबी उसके महल से निकल के जा रहा है और यहोवा सनातन काल का परमेश्वर, वो दयालु है, वो करुणामयी है, वो प्रेम करने वाला, वो भला है, उसकी महिमा अवधि है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं अगर आप सच्चे दिल से उसके पीछे चलेंगे. अगर आपने प्रभु के लिए, इसने कुछ किया है प्रभु के लिए, प्रभु के आगे चला है, प्रभु के लिए कुछ किया है, प्रभु के आगे फेथफुलनेस है इसकी, प्रभु के आगे होल हार्टेडली चला है, तो इसने प्रभु को बोला, खुदावन ने कहा अपने नबी को, जा उसे जाके बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, मैंने तेरे आंसू देख लिए. भाई और बहनों, आंसुओं के संग प्रार्थना कीजिए प्रभु के आगे, तोड़िए अपने आप को प्रभु के आगे, विलाप कीजिए उसके आगे, प्रार्थना कीजिए हृदय की गहराई से. मोनोटोनस प्रार्थनाएं मत कीजिए, मजबी दुआएं मत कीजिए, बनावटी प्रार्थनाएं मत कीजिए, केवल शब्दों का गेम खेल मत खेलिए यहोवा के साथ, तोड़िए अपने दिल को यहोवा के आगे, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो आपके आंसू देखेगा. उसने कहा, यहोवा ने, मैंने उसकी प्रार्थना सुनी, मैंने उसके आंसू देखे, बिहोल्ड आई विल हील यू, ऑन द थर्ड डे यू शैल गो अप टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड. तीसरे दिन उठ के तू यहोवा के भवन में जाके यहोवा की स्तुति करेगा. भाई और बहनों, मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, आप तीसरे दिन उठ के जाके यहोवा के भवन में उसकी उपासना करेंगे. वो आपको चंगा करेगा अगर आप बीमार हैं, वो आपके बंधन और जुए तोड़ेगा अगर आप बंधनों और जुओं में हो. भाई और बहनों, प्रभु के सन्मुख आइए, प्रार्थना कीजिए और गिड़गिड़ाइए और विलाप कीजिए उसके आगे. अपने आप को तन्हाई में एक कमरे के अंदर कैद कीजिए, ढूंढिए उसके चेहरे को, उपवास रखिए तीन दिन, ढूंढिए उसे, सात दिन उपवास रखिए, ग्यारह दिन, इक्कीस दिन, चालीस दिन, ढूंढिए यहोवा के चेहरे को, उसकी उपस्थिति को. छोड़ दीजिए संसार के काम जो कर रहे हो आप, कहीं नहीं भागने लगे ये, नौकरी आपकी, बिजनेस आपका, यहीं रहेंगे सब. जब आप नहीं थे ना, तब भी ये नौकरियां चल रही थी, तब भी ये बिजनेस चल रहे थे, जब आप नहीं होंगे तब भी चलेंगे. आपके कंधों पर नहीं रखी दुनिया, आपको शैतान ने भ्रम सिखा दिया है कि आपके ऊपर, आपके शोल्डर पे दुनिया चल रही है. छोड़ दो सब कुछ, कुछ समय के लिए ढूंढो प्रभु की हजूरी को. हिजकिया, देखिए हिजकिया एक कितनी जबरदस्त एग्जाम्पल है. यशायाह जैसा कदावर नबी बोलता है तू मर जाएगा, अब तू चंगा नहीं होगा, उसने फिर भी हार नहीं मानी. उसने कहा मैं जाऊंगा यहोवा के आगे, सुनेगा वो मेरी. हालेलुया. और उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने तेरे आंसू भी देख लिए हैं. हालेलुया. देखिए भाई और बहनों, इस राजा की प्रार्थना सुन ली यहोवा ने, इस राजा को आशीष दे दी यहोवा ने. लेकिन जो यहोवा ने अपने नबी को बोला था ना कि तेरा टाइम आ गया, उसके पीछे भी कोई कारण था. जब इसकी उम्र बढ़ा दी गई 15 साल, उस समय इसकी औरत से इसके एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है मनस्से. यहोवा को मालूम था कि इसके एक दुष्ट बेटा पैदा होगा जो पूरे इसराइल को गुलामी के देश में ले जाएगा. समझ रहे हैं आप, परमेश्वर की योजनाएं सिद्ध होती हैं. परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके जीवन में क्या घट, परमेश्वर जानता है अगर आपके पोतों के बेटे अभी पैदा नहीं हुए, पोतों के पोते, प्रभु ने उन सबको देखा है. इसलिए भाई और बहनों, प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पण कीजिए, प्रभु की सिद्ध इच्छा को ढूंढिए, प्रभु की सिद्ध इच्छा से बाहर मत जाइए अपने जीवन के लिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. प्रभु मैं जितने लोगों ने तेरा वचन सुना आज, इनमें से एक एक को तेरे कलाम के साथ बांधता हूँ. प्रभु इन्हें दीनता के रूह में, हलीमी के रूह में भरिए. प्रभु सचमुच दिल से ये कहे मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन, अपने दिखावे के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए कुछ मत करें, बल्कि दीनता से अपने आप को तेरे चरणों में रखें. खुदावंत आंसुओं की प्रार्थना करना सिखाइए, तेरी इच्छा में, तेरी इच्छा से बाहर जाके नहीं, अपने लोगों को छूइए, गहराइयों को छूइए खुदावंत. हालेलुया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ, आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. बड़ी जल्दी हम 3 दिन के उपवास में जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा, विद इन 1 or 2 days हम 3 दिन की फास्टिंग करेंगे और अलग अलग 3 जगह बैठेंगे हम पूरा दिन,
और रात के काफ़ी समय हम प्रार्थना में रहेंगे, और आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए हमें ज्वाइन करने के लिए 3 दिन के उपवास के लिए। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, वो विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए और गरीब लोगों के लिए, जो ऑपरेशन अहावा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ विधवाओं को रजाइयाँ दे दी गई हैं, क्विल्ट दिए हैं हमने, और खाने का लोगों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, और अभी कुछ और ब्लैंकेट और क्विल्ट कल या परसों हम और बांटेंगे लोगों को। उसके बाद झुग्गियों का और दूसरा काम भी जारी रखेंगे, उपवास के दौरान भी हम ये काम करेंगे। तो आप लोग जिन जिन ने बोया, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और जो लोग और कुछ बोना चाहते हैं प्लीज़ बोइएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और उपवास में हम ठहरेंगे, खुदावंद के चेहरे की तलाश करेंगे। यीशु मसीह के चेहरे के पीछे पीछे भागना, यीशु मसीह की हजूरी के पीछे पीछे भागना, इतनी अद्भुत बात है भाइयों और बहनों, मैं आपको बता नहीं सकता इसमें कितना बड़ा आनंद है। तो आइए उसके चेहरे के खोजी बने हम। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जय मसीह की।